और आज का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक है। मेरे दिन की शुरुआत हो तो मेरा ये रूम वर्क ऊपर थोड़ा सा डाला है मैंने, क्योंकि फिर जाना है मुझे पहले मेरे फ्रेंड से मिल लिया। तो ये सब बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ये वेजिटेबल्स वाली। ओके आप एंजॉय करो अपने ऑफिस के काम से, शूट्स वीडियोस सारे काम। तबियत ठीक नहीं थी बट मूवी कैसी लगी। हेलो माय डियर फैमिली, गुड मॉर्निंग टू ऑल, कैसे हो आप सब। मैं नाके आ चुकी हूँ, हेमंत चला गया स्कूल और आज का दिन बहुत ज़्यादा हेटिक है क्योंकि आज जाना है मुझे कहीं पार्टी में भी, हेमंत के फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, फिर जाना है रात को इनके साथ मूवी में भी। तो लेट्स सी क्या क्या होता है। अभी थोड़ा सा करते हैं पूजा पाठ, थोड़ा चलते हैं किचन में क्योंकि फिर बेटा आएगा तो टाइम लग जाएगा, है ना। तो और जो मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसे लग रहे हो सांस क्यों फूल गए, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत नम चल रही है, अच्छी ठीक नहीं चल रही है, तो इसलिए। तो चलिए आपको लेके चल रहे हैं बाहर। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है तुलसी माता को, सूरज भगवान को अर्घ देके, उनसे आशीर्वाद लेके, फिर आती हूँ मैं मंदिर, फिर करती हूँ लाला जी की पूजा, उनको प्रसाद वगैरह चढ़ाती हूँ, कभी अगर जेठू जी कर लेते हैं तो ओके, नहीं तो फिर मैं करती हूँ। फिर करती हूँ मेरा ये रूम वगैरह सही, और यहाँ पे ये दो कंबल इसलिए हैं कि मैं अलग कंबल लेती हूँ और जेठू जी और हेमंत अलग, हम आराम से अपना अपना सोते हैं। तो मैं मेरा पूरा रूम सही करती हूँ, सारी चीज़ें सही करती हूँ, यार काम तो करना पड़ता है ना। फिर आती हूँ मैं किचन में, किचन में मैंने आ गया है मेरा ड्रेस व्रेस चेंज करके, सारी चीज़ें करके, और ये मैंने आटा लगाया है, आटा के ऊपर थोड़ा सा डाला है मैंने घी, तो ताकि आटा बहुत अच्छे से हो जाए, लग पाए और उससे रोटियाँ सॉफ्ट बने। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटियाँ, जो कि बस खाना वाना सब्जी वब्जी बन चुकी है, रोटियां बनाती हूँ फिर सबको लगाऊंगी खाना, क्योंकि फिर जाना है मुझे स्कूल। तो यहाँ पे मैंने एक बार का ड्रेस चेंज करके फिर तैयार होके फिर आती हूँ मैं किचन में, मॉर्निंग का मेरा यही रूटीन होता है और आपको बताती हूँ आगे। सो अब मैं जाऊँगी पहले मेरे फ्रेंड से मिलने, किचन का काम सारा चीज़ें हो चुकी है, अब मैं जाऊँगी पहले मेरे फ्रेंड से मिलने क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, फिर मैं भी अगर वो लोग नहीं जाएंगे तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, तो लेट्स सी क्या होता है। और अभी उनके घर जा रहे हैं हम, उन लोग से मिलेंगे, फिर हेमंत के स्कूल जाएंगे, हेमंत को स्कूल से लेके आएंगे, फिर मिलते हैं आपसे, है ना वहाँ। सो मैं मेरे फ्रेंड से मिल के आ गई, वहाँ पर मैंने शूट नहीं किया, हेमंत को लेके मैं आ गई हूँ घर, बट घर आते ही मुझे मिला बहुत बड़ा सरप्राइज, तो मैं आपको मिलाती हूँ। हाय दिव्या, ये है मेरी बुआ की लड़की है जो भी अभी गुड़गांव शिफ्ट हुई है, तो ये सडनली मेरे से मिलने आई, मुझे पता भी नहीं था, और ऐसे एड्रेस वड्रेस लेके आ गया मेरी दीदी से, सो मुझे बहुत अच्छा लगा सरप्राइज, सो वेल मेट। तो ये आए हैं मेरे कुछ कोरियर्स, बट मुझे सबसे अच्छी लगी कि कोरियर के में किसी ने बहुत ही वैसे चॉकलेट्स भी देके भेजे हैं, सो ये मेरे इंस्टा पे भेजे हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो कि बहुत ही सुंदर सा, ये मुझे एल्बम टाइप का क्या बोलते हैं पता नहीं इसको, ये भेजा है वो मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। सो ये देखिए बहुत ही सुंदर सा मेरा और जेठू जी का फोटो है, और यहाँ पे ये ऐसे टक किया हुआ है, जो कि यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर सा फोटो है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर, वन बाय वन दिखाती हूँ, वेट, ये देखिए जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है ना, ये सारा आपको मेरे इंस्टाग्राम पे ही मिलेगा देखने को, तो बहुत ही प्यारा सा है ये। सो ये बन रहा है गट्टा है ये, आज हम बनाने हैं गट्टे का पुलाव, जिसमें ये हमने गट्टा बना लिया है, ये बेसन का बनता है ये, नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी को रेसिपी चाहिएगी तो इसकी रेसिपी देंगे, जिसमें ये डलेगा। और यहाँ पे अब मैं काटूंगी थोड़े से वेजिटेबल्स, जो काट चुकी हूँ, फिर सडनली मुझे क्लिक आया कि ये भी दिखाऊं, तो रुको। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वेजिटेबल्स काट चुकी हैं, और ये वेजिटेबल्स वाली पुलाव इसलिए बनाते हैं ना कि जितने भी घर में वेजिटेबल्स हो ना तो बच्चे खुशी खुशी खा लेते हैं, बच्चे हो चाहे बच्चे की मम्मी हो चाहे बच्चे के पापा हो। तो ये पुलाव थोड़ा सा गट्टा, थोड़े से आलू, गाजर, बीन्स, शिमला मिर्ची, टमाटर, फूलगोभी, सारी चीजें डाल के, क्योंकि फूलगोभी मुझे और जेठू जी को वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो हेमंत को भी ज्यादा पसंद है, तो हम लोग सारी चीजें मिक्सअप करके ये पुलाव। तो हेमंत हो गया है तैयार, वो जाएगा अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में, मैं जाऊंगी नहीं। ये रहा हेमंत, रुके मैं मिलाती हूँ आपसे, ये रहा महेंद्र भैया। हेमंत आप जा रहे हो? कहाँ है भेलपुरी? ये महेंद्र भैया इनके साथ हीरो बन के दोनों जाने, ये लोग जाएंगे, हम जाएंगे क्योंकि ओहो ये है अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट। गिफ्ट में क्या है पता नहीं,
सरप्राइज गिफ्ट में क्या इधर को पता नहीं है, पता है कि वो बताऊं। कितना कितना शातिर दिमाग है। ये जा रहा है, मेरा बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, मेरे को फीवर जैसा भी लग रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो ओके आप एंजॉय करो अपना पार्टी, लव यू। सो मेरे को हो गया था बहुत बहुत ज्यादा हेडेक, मैं सो चुकी थी, तो मनोज को बनाना था खाना अर्जेंटली, तो ये पुलाव तो मेरा बन गया है, ये देख लो आप, बट मैंने नहीं बनाया आज, ये मनोज भाई ने बनाया है। क्योंकि क्या हुआ था मनोज भाभी को, मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो गया था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने कर लिया था रेस्ट। मुझे सोके नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। तो मनोज ने बना दिया आज खाना, तो यहाँ पे ये मासी भांजे कर रहे हैं थोड़ी सी बातें और खा रहे हैं खाना। बट इसके बाद मेरी बहन को जाना पड़ा था अर्जेंटली अपने ऑफिस के काम से बाहर, वीडियो शूट, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आ रखे हैं। ये देखो ये इतना सारा इकट्ठा हो गया, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बस स्टील थोड़ा सा शूट वगैरह तो करनी पड़ेगी, खाना तो आज चलो मनोज ने बना लिया तो इससे हेल्प हो गई मेरी। बट यार वेट, मैं थोड़ी सी सांस ले लेती हूँ। यार एक बात बताओ, हम लोग कमेंट में लिखते हो कि हाँ मनोज करता है सारा काम ये वो, यार मनोज मेरी हेल्प के लिए तो रखा है ना उसको मैंने, कि मेरे शूट्स के काम होते हैं, और कमेंट में बोलती हो कि यार ये नाचती कूदती है, यार आप लोग भी नाच लो, कौन ऐसी लड़की होगी यार जो नाचना नहीं चाहेगी, जो खुद के लिए जीना नहीं चाहेगी, या फिर जो खुद अपना नाम नहीं बनाना चाहेगी, कौन होगी ऐसी बताओ। ये तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी प्यारी फैमिली मिली है, इतना अच्छा सपोर्टिव पति मिला है, सिर्फ पति नहीं मेरी पूरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है। और मनोज आज से नहीं, मैं इंस्टाग्राम पर तो 2 साल से हूँ ना, इंस्टाग्राम यूट्यूब टिकटॉक जो भी फलाना ढेंगला 2.5 साल से हूँ, तब अराउंड 5 ईयर्स हो गए उसको यहाँ आए हुए, तो उसके अकॉर्डिंग यार बड़ी बात है ना, उसको रखा ही तो इसलिए है ना कि वो मेरी हेल्पर हो, नहीं तो एक भी लेडी, सिंगल एक लेडी आप लोग मुझे ये बताओ जो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा बच्चे फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली हो, या फिर अपने शूट्स वीडियोस सारे काम कर लेती है। नहीं यार ऐसे कोई भी नहीं होगा, आई स्वेयर, कोई झूठ बोलता होगा, मुझे झूठ बोलना नहीं आता यार, हम भी इंसान हैं, और मैं तो इतने ज़्यादा बीमार रहती हूँ, और ये जो नाचती हूँ कूदती हूँ यार, इंस्टाग्राम पे भी भगवान के दिन मेरे 1 मिलियन हुए, मेरे को है ना जी जान लगा दी वहाँ पे मैंने, जी जान बहुत मेहनत की है यार, कभी फ्री टाइम हुआ कभी बहुत मन हुआ तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी आप लोगों को मेरी स्टोरी। बट यार कमेंट में ना डीमोटिवेट मत किया करो। और रही बात, मुझे बहुत लोग बोलते हैं मोटी मोटी मोटी, यार मेरी बॉडी स्वेलिंग आ गई है, क्योंकि मेरे में हीमोग्लोबिन कम है, आयरन कम है, एनर्जी लेवल बहुत लो हो गई है। अब आप देख रहे हो इतना सा बोलती मैं सांस फूलने लग गई, बहुत लो हो गई है, इसलिए है ना मेरी बॉडी में स्वेलिंग आ रखी है। तो यार आप लोग मोटी बोलती हो या ये करती है तो खाली दिन भर में दिखाने आती है ये वो, तो मनोज को रखा ही मैंने मेरे हेल्पर की जगह ही है, अगर मुझे ही सारा काम करना होगा तो मैं उसको क्यों रखूं। बट ऐसा नहीं है, सिर्फ एक काम वाले के भरोसे सारी चीज़ें नहीं मैनेज होती है। सुबह 6 बजे बच्चा स्कूल जाता है ना, आपके घर में भी बच्चे हैं, भगवान करे आपको भी एक मनोज जैसा बंदा मिले, फिर भी आप सारे काम उसके ऊपर करके आप फ्री रह पाओगे क्या, मुझे बताना कमेंट में। यार कुछ भी बोलते हो ना दुख होता है, तो आप लोग मेरी बहुत ही बेसी फैमिली हो, इसे मेरे को दुख मत दिया करो यार, बहुत बहुत चीज़ें वैल्यू रखती है आप लोगों की मेरे लिए, सो प्यार किया करो यार। सो हम सब रवाना हो चुके हैं मूवी हॉल की तरफ। जेठू जी आगे बैठे हैं, आराम से गाड़ी चला रहे हैं, महेंद्र भैया है, हेमंत है, हम जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र मूवी देखने। लेट्स सी कैसे होता है, क्या होता है, मूवी कैसी रहती है, सारी बताएंगे आपको, बने रहना व्लॉग में। तो हम जा चुके हैं। सो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट इन बाप बेटे की जिद थी कि इनका ब्रह्मास्त्र देखना है, तो मेरे को आना पड़ा। तो दिव्या चली गई अपने काम पे, तो यहाँ हम आए हैं MGF मॉल हम सब मूवी देखने। यहाँ ये देखो ये शैतान, कितना शैतान है, इसको यहाँ पे भी आराम नहीं है, ये लोग यहाँ बैठे हैं। और मूवी में अच्छी खासी रश है, अच्छी खासी मतलब मूवी बहुत ही सॉलिड थी। यहाँ पे देखो रात को 2:30 बजे हम निकल रहे हैं और कितनी ज़्यादा रश है। अब ये बता मूवी कैसी लगी? अच्छी। तो हेमंत को बहुत अच्छी लगी। जेठू जी आपको मूवी कैसी लगी? हम जाए कौन, इतने बोर कौन हो? मैंने भी मूवी कैसी लगी? हाँ एक बार आप लोग जरूर देखना, मजा आएगा ऑनेस्टली, कि अच्छी है, काफी टाइम बाद ऐसी बहुत ही
क्या डेफिनेशन तो समझ में नहीं आ रहा है, बाकी अच्छी मूवी है। सो हम घर आ चुके हैं, मूवी आपने देख ली है, मूवी अच्छी खासी है, मतलब हमने देख ली है मूवी, और ये लोग यहाँ पे बदमाशी करने में लगे पड़े हैं, बट ठीक है, अच्छी मूवी थी। सो ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, गुड नाइट, बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इनका कुछ नहीं हो सकता। गुड नाइट, बाय बाय।